जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, में हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 1458 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा और यहाँ पर फिजिकल में आपका क्या क्या होगा, दौड़ होगी कि नहीं, आपको वेतन कितना दिया जाएगा और किस पोस्ट के लिए कितने पद यहाँ निकाले गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है वो एज क्राइटेरिया को लेकर रहता है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। टोटल यहाँ जो पोस्ट निकाली गई है तो 1458 पोस्ट निकाली गई है। 4 जनवरी 2023 से लेकर 25 जनवरी 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 25 जनवरी 2023 से की जाएगी। मतलब आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी वो 25 जनवरी 2023 से की जाएगी। ओके, इसके बाद आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट यहां मिल जाएगी। ओके, फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपए लगेगी। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 रुपए नहीं लग रही है, आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको पोस्ट वाइज यहाँ वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई स्टेनो की पोस्ट की। टोटल 143 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 58 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 14 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 39 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी के लिए 21 पोस्ट हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और साथ में यहां पास स्टेनो मांगी गई है। तो आप थोड़ा यहां ध्यान से समझिएगा, आपका डिक्टेशन होगा 10 मिनट का, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। ठीक है, यदि आप स्टेनो इंग्लिश में देते हैं तो 50 मिनट का होगा और यदि आप हिंदी में देते हैं तो 65 मिनट का आपका स्टेनो होगा। ठीक है, यदि आप इंग्लिश में स्टेनो देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे दीजिए, यदि आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में, किसी एक लैंग्वेज में आपको स्टेनो देना है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में नहीं देना है, आपको ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था इसमें। ठीक है, तो अब दूर हो गया होगा। इसके बाद आपको वेतन कितना दिया जाएगा, तो 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए आपको पर मंथ यहाँ वेतन दिया जाएगा। ओके, इसके बाद दूसरी जो पोस्ट निकाली गई है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट निकाली गई है। टोटल जो पोस्ट निकाली गई है 1,315 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 532 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 132, ओबीसी कैटेगरी के लिए 355, एससी के लिए 187 और एसटी के लिए 99 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और साथ में यहां टाइपिंग मांगी गई है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या टाइपिंग में सर्टिफिकेट की जरूरत है। नहीं, टाइपिंग में सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि आपसे केवल और केवल टाइपिंग आती है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहां पास, यदि आपसे इंग्लिश में टाइपिंग आती है तो आपकी स्पीड जो है तो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या हिंदी में यदि आपसे टाइपिंग आती है तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पास आपको दोनों में नहीं देना है टाइपिंग। ठीक है, किसी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, या आप हिंदी में दे दीजिए या आप इंग्लिश में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में आपको नहीं देना है टाइपिंग टेस्ट। बात हुई क्लियर? ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपका पेपर होगा, ठीक है, कंप्यूटर पर ऑनलाइन होगा पेपर। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल में क्या क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद थर्ड आपका स्किल टेस्ट होगा। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि स्किल टेस्ट क्या होता है, तो थोड़ा आप यहां ध्यान से समझिएगा। यदि आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका टाइपिंग होगा, ठीक है, टाइपिंग होगा, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, यही आपका क्या कहलाता है, स्किल टेस्ट, ठीक है। यदि आप ASI स्टेनो की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपका क्या होगा, स्टेनो होगा, डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन, है ना, आपका होगा, तो यही आपका स्किल टेस्ट कहलाता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका पेपर लिया जाएगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, हिंदी या इंग्लिश से, यदि आप हिंदी में पेपर देते हैं, हिंदी सब्जेक्ट का पेपर देते हैं, तो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर का। यदि आप इंग्लिश का, इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर देते हैं, तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ चूज करते हैं, ओके। इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना पड़ता है। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर के, ओके। इसके बाद रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। इसके बाद मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। तो टोटल 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ओके। 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर के, हर एक प्रश्न एक नंबर का रहेगा। आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट का और नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ 1/4 की, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ 1/4 की रहने वाली है। इसके बाद आपको सिलेबस यहाँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। तो देखिए, यहाँ आपका ना तो दौड़ होगा, ना लंबी कूद होगी, ना ऊंची कूद होगी, ठीक है। यहाँ आपका सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई नापी जाएगी, सीना नापा जाएगा और वजन नापा जाएगा, ठीक है, और आपका यहाँ वजन नापा जाएगा, इतना ही चीज आपका होगा फिजिकल में, ठीक है। फिजिकल बहुत ईजी रहता है, आप इजिली क्वालिफाई कर लेंगे। तो देखिए, ऊंचाई में पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर यहाँ ऊंचाई रखी गई है, ठीक है, 165 सेंटीमीटर यहाँ ऊंचाई रखी गई है, और महिलाओं की ऊंचाई यहाँ 155 सेंटीमीटर रखी गई है। आपको यहाँ पास हाइट में छूट भी मिल जाएगी यदि आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, यहाँ आप देख लीजिएगा डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद फीना की अगर बात करें तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपका सीना यहाँ फूलना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए यहाँ पास नहीं है सीना, ठीक है, यहाँ पास सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए है सीना मांगा गया, और आपका यहाँ पास वजन नापा जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आपका फिजिकल में रहता है, ओके। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।